बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर औकात जो रूमाटाइड और जो आर्थराइटिस के पेन होते हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर ख्वातीन हज़रात को ये जो पेन होते हैं वो मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं और इस शिद्दत की वजह से उनको उठने बैठने में, चलने फिरने में और बहुत सारे काम करने में उनको शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको होम्योपैथी की एक ऐसी ही मेडिसिन बताने वाला हूं जो स्पेशली तौर पर आपके जो हाथों के और बालों के जो घंटियाबी दर्द होते हैं उन पर बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही लाजवाब काम करती है। दोस्तों, इस मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन शामिल हैं और आप इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करेंगे और आपको ये मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में अपने दोस्तों को मैं डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आज लाता करे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने ऐसी ही तमाम मालूमती वीडियोस बर वक्त लेनी हो, अपने पास मंगवानी हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत लाजवाब और बहुत ही रिजल्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन जो आज मैं अपने दोस्तों को बताने वाला हूँ, ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए और स्पेशली तौर पर जो आपके बाजू के और हाथों के जो घंटियाबी दर्द होते हैं उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन ये मानी जाती है। स्पेशली तौर पर जब जोड़ों में बहुत शदीद दर्द हो, जोड़ों में वर्म आ जाए और इसके साथ साथ उठते बैठते हुए शदीद तकलीफ़ हो और फिर काम करते हुए हाथों के जोड़ जो है बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाएँ, इनमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाए और बहुत ही पुरानी बीमारी के बायस जो आर्थराइटिस की पुरानी बीमारी होती है, गठिया की जो पुरानी बीमारी होती है उसके बायस अक्सर लोगों के जोड़ जो होते हैं वो थोड़े से टेढ़े फेढ़े हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी होम्योपैथी की ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि डॉक्टर रेक्वी नंबर 46 जो है ये इसमें कितनी मेडिसिन शामिल हैं और ये क्या क्या काम करती हैं। डॉक्टर रेक्वी नंबर 46 आपके जोड़ों के और गठिया के दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। दोस्तों, इसमें मौजूद 4 से 5 मेडिसिन आपके जोड़ों के दर्द के लिए और ऐसी तमाम किस्म की जो प्रॉब्लम हैं जो मैंने आपको बताई हैं उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन ये मानी जाती है। सबसे पहले इसमें शामिल है जी फेरम पास। आपकी जितने भी ख़ास तौर पर जो वर्म होते हैं और जो जोड़ों की सोजश होती है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन ये मानी जाती है। फिर इसके साथ साथ अगली जो इसमें मेडिसिन है वो नेट्रम सल्फ है। नेट्रम सल्फ भी जो घंटियाबी दर्द होते हैं, जो जोड़ों की सोजश होती है और जो स्वेल कर जाते हैं बार बार जोड़, और फिर इसके साथ साथ जो तकलीफ़ होती है और जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो आपके जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। अगली जो इसमें मेडिसिन है वो है जनाब लेथियम कार्ब। आपके छोटे और बड़े जितने भी जोड़ होते हैं, यानी जो आपकी जो कलाई के जोड़ होते हैं, जो आपकी उंगलियों के जोड़ होते हैं, जितने भी जोड़ होते हैं इनमें जितने भी दर्द होते हैं, स्वेलिंग होती है या खून का इंजमाद होता है उसके लिए इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। फिर अगली मेडिसिन जो इसमें है नेक्सवामिका। उठते और बैठते वक्त अगर शदीद किस्म का तेज़ दर्द हो तो नेक्सवामिका बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस मेडिसिन में शामिल है। इसके साथ साथ रुंडोड्रान जो मेडिसिन है ये आपके जो पुराने गठियावी दर्द होते हैं, जो बहुत पुराने अरसे से चल रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ साथ जो आपकी स्पायरिया है, स्पायरिया भी आपके जोड़ों के दर्द के लिए और जोड़ों की फड़कन के लिए, जोड़ों के सुन्न होने के लिए, ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। डॉक्टर रेक्वी नंबर 46 आपने याद रखना है, बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन और ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से बासानी मिल जाएगी। अगर आपको डॉक्टर साहब रिकमेंड करें
कि आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है, तो फिर आपने इसके 10 से 15 ड्रॉप दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस मेडिसिन को आप 2 से 3 माह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। आस्ता सा इस मेडिसिन की क्वांटिटी को कम करें, और इस मेडिसिन को हासिल करने के लिए अपने किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बआसानी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह तआला हम सबको आमीन आसिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।